लोकतंत्र दर्शन में जिनका चिंतन बिंदु किसान बना, मारवाड़ की मरुभूमि से श्रम सिंचित सम्मान तना, प्रांत देश फिर दिग दिगंतर छाया जो बनकर अभिराम, सत्य पुजारी सतत तपस्वी बाबा मिर्धा नाथूराम। मारवाड़ में सामाजिक जागृति से लेकर राजनीतिक चेतना और नेतृत्व क्षमता के अद्भुत धनी श्री नाथूराम जी मिर्धा मारवाड़ के गांधी और जनमानस के संरक्षक के रूप में बाबा के नाम से जगत प्रसिद्ध हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ साहब के मुख्य आतिथ्य और बाबा नाथूराम जी मिर्धा की पोती पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी के अध्यक्षता के साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया और लोकप्रिय किसान नेता रिचपाल जी मिर्धा के विशिष्ट आतिथ्य और हजारों लोगों के जन समुदाय की गरिमामय उपस्थिति में शक्ति और भक्ति की धारा मिर्धा सिटी में किसान कौम के रहनुमा श्री नाथूराम जी मिर्धा की मूर्ति का अनावरण मिर्धा साहब के चाहने वालों के लिए स्वर्णिम दिन है। राजस्थान के किसान गांधी, मरुधर रत्न और जाट शिरोमणि जैसी उपाधियों और सम्मान से विभूषित श्री नाथूराम जी मिर्धा का राजस्थान में टेनेंसी एक्ट लागू करने से लेकर शिक्षा, कृषि, पशुपालन, वित्त, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, राजस्व और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यकाल किसान कौम के लिए पुनरुद्धार का युग रहा है। 20/1921 को पिता श्री थानाराम जी मिर्धा के घर माता श्रीमती गोगी देवी की पावन कोख से जन्म लेने वाले नाथूराम जी मिर्धा ने 75 साल के जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों के बीच साहस और पुरुषार्थ के बल पर विराट व्यक्तित्व का निर्माण किया है। नाथूराम जी मिर्धा ने कुचेरा से प्राथमिक शिक्षा, जोधपुर से हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद 1946 में लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB और अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री हासिल की। मिर्धा साहब ने सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 1936 में नाथूराम जी मिर्धा का वैवाहिक जीवन डे गांव की लाडली बेटी केसर देवी के साथ शुरू हुआ। कानून की पढ़ाई करने के बाद नाथूराम जी मिर्धा ने 1946 में जोधपुर उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और वहां पर गरीब जरूरतमंद किसान भाइयों के मुकदमों की निशुल्क पैरवी करके आपने किसान कौम के प्रति अपने कर्ज और फर्ज को अदा किया। सन 1940 में किसान केसरी श्री बलदेव रामजी मिर्धा के सानिध्य में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना हुई और 1946 में बलदेव रामजी मिर्धा ने सर छोटू रामजी के अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक किसान सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें नाथूराम जी मिर्धा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये किसान सम्मेलन मारवाड़ में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का मूल मंत्र बना। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी और किसान केसरी श्री बलदेव रामजी मिर्धा के सानिध्य में राजनीति का पाठ पढ़ने वाले श्री नाथूराम जी मिर्धा 6 मार्च 1948 में जोधपुर स्टेट में बनी जनप्रतिनिधि सरकार में राजस्व मंत्री बने। राजस्व मंत्री के तौर पर 1949 में मिर्धा साहब ने मारवाड़ टेनेंसी एक्ट बनाया और राजस्थान किसान सभा की स्थापना की। यहीं से नाथूराम जी मिर्धा ने किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक देने का अध्याय लिख दिया था जो बाद में 1956 में राजस्थान टेनेंसी एक्ट के रूप में संपूर्ण प्रदेश में लागू हो गया। 1952 में हुए आम चुनाव में श्री नाथूराम जी मिर्धा मेड़ता से प्रथम विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। राजस्थान के प्रथम शिक्षा एवं वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान का पहला बजट पेश करके प्रदेश को विकास की गति देने की आधारशिला भी नाथूराम जी मिर्धा ने ही रखी थी। 4 बार विधायक
और 6 बार सांसद बनने वाले मरुधर रत्न श्री नाथुराम जी मिर्धा ने नागौर से लेकर भारतीय राजनीति और विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। श्री नाथुराम जी मिर्धा राजस्थान की राजनीति में महिला सशक्तिकरण के प्रवर्तक रहे हैं। मिर्धा साहब की बदौलत राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल जी, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी, विधायक गौरी पुनिया जी और पहली महिला जिला प्रमुख बाड़मेर की मदन कौर जी जैसी सशक्त महिलाओं ने देश का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 1968 में नागौर जिला मुख्यालय पर पहला सरकारी कॉलेज श्री बलदेवराम मिर्धा महाविद्यालय के रूप में शुरू करवाने का श्रेय भी नाथुराम जी मिर्धा को ही जाता है। श्री नाथुराम जी मिर्धा ने राजस्थान किसान सभा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस, लोक दल और जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अनेकों राजनेता तैयार किए हैं, जिनमें श्री जगदीप जी धनखड़, प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट जैसे दिग्गज शामिल हैं। 1972 से 1975 तक श्री नाथुराम जी मिर्धा राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष रहे और उन्होंने किसान हितों से जुड़ी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अनुशंसा आज भी प्रासंगिक है और उसे पूरे विश्व के किसान समुदाय के कल्याण के लिए मॉडल माना जाता है। सन 1971 में श्री नाथुराम जी मिर्धा नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे और यह सिलसिला 6 बार सांसद के रूप में 1996 तक चलता रहा। 3 प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह जी और श्री वीपी सिंह जी के मंत्रिमंडल में काम करने वाले श्री नाथुराम जी मिर्धा जन कल्याण के सच्चे मसीहा थे। जन सेवक से जन नायक का सफर तय करने वाले श्री नाथुराम जी मिर्धा की लोकप्रियता का प्रमाण ये है कि वर्ष 1977 में संपूर्ण उत्तरी भारत में जनता दल की लहर के विपरीत अकेले सांसद का चुनाव जीतकर देश भर में जन नायक होने का एहसास कराया। श्री नाथुराम जी मिर्धा केंद्र में पंचायती राज संशोधन समिति के अध्यक्ष और संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भी रहे और उनके दिए सुझाव आज देश में पंचायती राज के सशक्तिकरण और राजभाषा के उन्नयन और संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लगभग 55 वर्ष के राजनीतिक जीवन में दर्जनों देशों की यात्राएं, सैकड़ों परियोजनाएं, हजारों कार्य, लाखों नौकरियां और करोड़ों जनमानस के ख्वाबों को पूरा करने का इतिहास मिर्धा साहब के खाते में दर्ज है। श्री नाथुराम जी मिर्धा के राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 1993 में जयपुर में हुए नागरिक अभिनंदन समारोह में आए लाखों के जन सैलाब ने नाथुराम जी मिर्धा को राजनीति का शिखर पुरुष स्थापित किया। भगवान शिव भोलेनाथ के परम भक्त नाथुराम जी मिर्धा विरोधियों की बातों को नीलकंठ बनाकर सहन करना और आम जन के पत्रों का हस्तलिखित जवाब देना उनके शिव भक्त होने की सादगी और सरलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। परबत्सर का वीर तेजाजी पशु मेला, डीडवाना पशु मेला, नागौर पशु मेला और मेड़ता पशु मेले में नाथुराम जी मिर्धा का संबोधन जनमानस की आवाज का एक सशक्त माध्यम रहा है। इन मेलों और मिर्धा साहब का एक अद्भुत संयोग रहा है, जहां से जमीनी हकीकत और राजनीतिक चेतना की आवाज बुलंद होती रही है। राजनीतिक मजबूती के साथ श्री नाथुराम जी मिर्धा ने शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना, बड़ाईली नागौर में श्री साईं बाबा शिक्षण संस्थान का निर्माण, नई दिल्ली में महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान की स्थापना और विकास तथा डीडवाना और नागौर में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की परिकल्पना को साकार करने में श्री नाथुराम जी मिर्धा का अद्भुत योगदान है। जनमानस में बाबा के नाम से प्रसिद्ध नाथुराम जी मिर्धा
गरीब और जरूरतमंदों को बीमारियों के समुचित इलाज के लिए आर्थिक सहायता और मानसिक संबल देते थे, जो उनकी करुणा और वात्सल्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। सैकड़ों हार्ट के ऑपरेशंस और हजारों नेत्र चिकित्सा का लाभ लेने वाले लोग उन्हें धरती का देवता कहकर संबोधित करते हैं। अपनी माताजी की धर्म परायणता और करुणा वत्सल भाव को देखते हुए श्री नाथुराम जी मिर्धा ने श्रीमती गोगी देवी सेवा ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके माध्यम से जन सेवा और सरोकारों के अनेकों प्रकल्प चल रहे हैं। पुष्कर का जाट शिव मंदिर और ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर का गोगीबाई गर्ल्स हॉस्टल सेवा और समर्पण के मजबूत स्तंभ हैं। नाथुराम जी मिर्धा के जीवन से प्रेरित होकर श्री रिचपाल जी मिर्धा ने अपनी बेशकीमती जमीन दान करके नागौर जिला मुख्यालय पर श्री नाथुराम जी मिर्धा किसान छात्रावास बनवाया है, जो आज आधुनिक शिक्षा का प्रेरणा स्थल है। 30 अगस्त 1996 को देश का ये सपूत और किसानों की उम्मीद बाबा नाथुराम जी मिर्धा सदा सदा के लिए परम धाम को चले गए। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शत शत नमन करते हैं। मारवाड़ के गांधी और बाबा नाथुराम मिर्धा के सेवा कार्यों और उनके पुण्य स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए मिर्धा सिटी के मीरा प्रवेश द्वार पर मिर्धा साहब की अष्ट धातु की 11.25 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा लगाई गई है, जिसकी जमीन अलॉटमेंट में तत्कालीन राजस्व मंत्री रामनारायण जी डूडी और सरपंच मोतीराम जी जाजड़ा का उल्लेखनीय योगदान है। इस मूर्ति समारोह के आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए जज साहब हरसुख राम जी पूनिया, पूर्व प्रधान रामकरण जी कमेडिया, चीफ इंजीनियर आर के झींझा, घासीराम जी चौधरी समेत अनगिनत लोगों का तन मन और धन का समर्पण है। जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम केवड़ा ने डॉक्टर गणेश नारायण गुरुजी की प्रेरणा, जनमानस की भावना और मोहनराम मारुका के द्वारा लिखित राजस्थान के किसान गांधी श्री नाथुराम जी मिर्धा पुस्तक के संकलन और अध्ययन से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय की गरिमामय उपस्थिति में आप सबके बीच प्रस्तुत की है। आपके बहुमूल्य सुझाव और सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।